ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हमने कहां तक पढ़ लिया था, स्पेसिस डिफाइन कर चुके थे, ठीक है। अब बाकी अदर टैक्सोनॉमिक हायरार्की डिफाइन करेंगे। आगे देखते हैं स्पीशीज क्या था, स्पीशीज क्या था जिसमें कि सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जो इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है, जो इंटरब्रीड करते हैं नेचर में, तो उसको कहते हैं। एंड नाउ कम टू द पॉइंट, फिर हम देखेंगे जैसे स्पीसीज है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। एंड जीनस की हम बात करें तो बहुत सारे सिमिलर स्पीसीज, ठीक है, बहुत सारे सिमिलर स्पीसीज एक ही सेम जीनस में रखे जाए, ठीक है। देखो कुछ यू टैक्सोनॉमिक हायरार्की था ना, किंगडम, समझिएगा ध्यान से, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ध्यान से, अब ये स्पीसीज है, मैंने क्या बताया, सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है। अब उससे ऊपर क्या है, जीनस है, तो इस जीनस में, ठीक है, इस जीनस में बहुत सारे स्पीसीज, सिमिलर स्पीसीज, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, डिफरेंट टाइप स्पीसीज नहीं कहेंगे, सिमिलर स्पीसीज, बहुत सारे सिमिलर स्पीसीज इस जीनस में, ठीक है। एंड अब फैमिली की बात करें तो बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे जीनस इस सेम फैमिली में, इस सेम फैमिली, और फैमिली की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा कि बहुत सारे जीनस फैमिली में होंगे। अगर ऑर्डर की बात करें बहुत सारे फैमिली इस सेम ऑर्डर में, ठीक है, और उसी तरह बहुत सारे ऑर्डर सेम क्लास में, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फाइनली लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की किंगडम, ठीक है। देखो समझते हैं, इधर सभी फोकस कीजिए। अब जीनस है, ठीक है, तो जीनस में बहुत सारे, मैंने क्या बोला, बहुत सारे स्पीसीज होंगे जीनस में, ठीक है, इस सेम जीनस में, जैसे पैंथरा, ये सब क्या है, जीनस है। देखो तीनों क्या है, सेम जीनस है कि नहीं, पैंथरा, 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 ठीक है, बट पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो एंड पैंथरा पार्डस, यानी कि ये स्पीसीज सेम ही है, ठीक है, एंड केप्ट इन द सेम जीनस, ठीक है, सिमिलर स्पीसीज केप्ट इन द सेम जीनस। अब फैमिली की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे सिमिलर जीनस केप्ट इन सेम फैमिली, ठीक है। देखो जैसे पैंथरा एक जीनस हो गया, ठीक है, एक फेलिस, फेलिस, फेलिस यानी कि क्या है, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है, फेलिस डोमेस्टिका कैट को कहते हैं, तो पैंथरा फेलिस, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जीनस हो गया, ठीक है, सिमिलर जीनस, एंड केप्ट इन द सेम फैमिली, केप्ट इन द सेम फैमिली, ये फेलिडी में, ये फेलिडी में रखे जाएंगे। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो सिमिलर फैमिली केप्ट इन द, ठीक है, सिमिलर फैमिली केप्ट इन द ऑर्डर, सेम ऑर्डर, सिमिलर फैमिली फेलिडी, ठीक है, फेलिडी एंड कैनिडी, कैनिडी मतलब कैनिस डोमेस्टिका डॉग कहते हैं, फेलिडी कैनिडी सेम फैमिली केप्ट इन, और ये दोनों क्या होते हैं, कॉर्निवरस, तो ये सेम ऑर्डर में रखे जाते हैं। तो आपको इस तरह से डिफाइन करना है कि अगर जीनस को हमें डिफाइन करना होगा तो जीनस को डिफाइन कैसे करेंगे कि सिमिलर स्पीसीज, ठीक है, सिमिलर स्पीसीज दैट्स केप्ट इन द सेम जीनस इज नोन एज जीनस। अगर हमें फैमिली को डिफाइन करना पड़ेगा तो कैसे डिफाइन करेंगे फैमिली को, यानी कि सेम जीनस, ठीक है, सिमिलर जीनस केप्ट इन द सेम फैमिली, ठीक है, सेम फैमिली, ये फैमिली डिफाइंड हो गया। अगर हमें ऑर्डर को डिफाइन करना होगा तो सिमिलर फैमिली केप्ट इन द सेम ऑर्डर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं,
ठीक है। तो हम क्लास की बात करें, अगर क्लास की, यहां पे देखिए क्लास, यानी कि इस सेम क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, सेम क्लास में डिफरेंट सिमिलर ऑर्डर की बात करते हैं। जैसे ये क्या हो गया, कॉर्निवोरा एंड प्राइमेटा, ठीक है, कॉर्निवोरा एंड प्राइमेटा आर सिमिलर ऑर्डर केप्ट इन द सेम क्लास मैमलिया। कॉर्निवोरा एंड प्राइमेटा आर सिमिलर ऑर्डर केप्ट इन सेम क्लास मैमलिया, ठीक है, अंडरस्टूड मैमलिया। ओके, अगर अब हम फाइलम की बात करें तो फाइलम क्लास से ऊपर आ रहा, यानी कि सिमिलर क्लास केप्ट इन द सेम फाइलम, सिमिलर क्लास केप्ट इन द सेम फाइलम, सिमिलर क्लासेस। जैसे हम बात करते हैं कि क्लासेस की, तो मैमलिया, एविस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, ठीक है, मैमलिया, एविस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, ये सब सारे क्या हो गए, क्लास हो गए। और एक ये सेम फाइलम में रखे जाएंगे, फाइलम कॉर्डेटा में, क्लियर, मैमलिया, एविस, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, फिशेस, पीसेस कहते हैं इसको, पीसेस, ठीक है, क्लास पीसेस में आते हैं, ठीक है। तो सिमिलर क्लासेस केप्ट इन द सेम फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, सेम फाइलम कॉर्डेटा, ओके, क्लियर। अब सबसे ऊपर मैंने बोला था आप लोगों से कि हम इसको ऐसे नहीं याद करते, ऊपर से नीचे नहीं, ऊपर से नीचे नहीं, ठीक है, इसको ऐसे, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। उससे पहले स्पीसीज, ठीक है, इस स्पीसीज में, स्पीसीज मैंने डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद जीनस, अगर जीनस डिफाइन करना है तो इस सेम जीनस में बहुत सारे सिमिलर स्पीसीज, फैमिली, तो इस सिमिलर फैमिली में बहुत सारा सिमिलर जीनस, ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर में सिमिलर फैमिली एंड क्लास, तो क्लास में सिमिलर ऑर्डर, फाइलम, तो फाइलम में क्लास। मैंने यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से सब कुछ डिफाइन कर दिया कि फाइलम में सिमिलर क्लासेस होंगे, बहुत सारे सिमिलर क्लासेस, जैसे ये मैमलिया, रेप्टिलिया, सारे क्लासेस होंगे, केप्ट इन द सेम फाइलम कॉर्डेटा, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किंगडम पे, किंगडम, किंगडम, ठीक है। अब किंगडम की बात करें तो किंगडम याद रखिएगा कि हम किंगडम फाइलम, ठीक है, तो सिमिलर फाइलम केप्ट इन द किंगडम, ठीक है, डिफरेंट सिमिलर फाइलम केप्ट इन द किंगडम। किंगडम की अगर बात करें तो किंगडम में क्या क्या जाते हैं, कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब सारे क्या है, ये सब फाइलम है और केप्ट इन द सिमिलर फाइलम केप्ट इन द किंगडम, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, तो ये सारे फाइलम सिमिलर फाइलम केप्ट इन द सेम किंगडम, क्लियर। इसको पूरा नोट कर लीजिए, को पूरा नोट कर लीजिए, यहां पे लिख लीजिए सिमिलर फाइलम केप्ट इन
ये आप लोगों का पूरा टैक्सोनॉमी हायरार्की क्लियर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं टैक्सोनॉमी। आपके एनसीईआरटी पहले सभी लोग नोटबुक पेन और एनसीईआरटी ओपन कर लें, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड्स होगा, ठीक है। टैक्सोनॉमिक एड्स फ्लोरा फौना, ठीक है, हार्बेरियम शीट के बारे में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें एक्सप्लेन करनी है, ओके। तो नोट कर लीजिए एंड आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है देख लेते हैं। Anything which help in study of plants and animals, in study of plants and animals, ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स और वेरियस स्पीसीज और वेरियस स्पीसीज और वेरियस स्पीसीज, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है, कुछ भी जिसको हम किसमें सहायता में लेते हैं, ठीक है, स्टडी करने में प्लांट्स और एनिमल्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, ठीक है, स्पीसीज को स्टडी करने में हम किसकी हेल्प लेते हैं, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। जैसे हम आप लोगों को एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो बोटानिकल गार्डन जो आजकल पार्क है इसको कहेंगे हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोटानिकल गार्डन घूमने जाते हैं, ठीक है, देखने जाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक तरह से जो हमारे वहां पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं एंड जू में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, नहीं तो हमको उनसे कुछ सीखने को मिलता है या नहीं, हाँ ये इस प्लांट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स में इस प्लांट में ये देखने को मिला, ठीक है। जो भी चीजें, ठीक है, जो भी चीजें जो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करे, प्लांट्स एनिमल्स एंड स्पीसीज के अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स, ओके, ठीक है। यहाँ पे तो और भी अदर टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, बोटानिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया, ठीक है। एंड एक और टैक्सोनॉमिक एड्स है हर्बेरियम सीट एंड कीज, ठीक है। ये आपके फोर टैक्सोनॉमिक एड्स हैं। अब हमें इन चारों को एक्सप्लेन करना है, पढ़ना है, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम सीट, कीज। देखो हर्बेरियम सीट क्या होता है, ठीक है, एक हर्बेरियम पेजेस आता है, ठीक है, हर्बेरियम पेजेस भी आता है, तो उस पेजेस में स्पेसिमेंस का, ठीक, स्पेसिमेंस का बोटानिकल नेम नीचे साइड में कॉर्नर में लिखना पड़ता है, ठीक है, और उसके बारे में लिखना पड़ता है सब कुछ, और उसको स्टैक किया जाता है। तो ये हर्बेरियम सीट हमारे यहाँ मतलब कह लो कि म्यूजियम में स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है, ताकि जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है, जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है हमारे इस पृथ्वी पे ना आने से पहले की एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो हम उसके बारे में भी स्टडी कर सके, इसलिए हर्बेरियम सीट बनाई जाती है। नोट कीजिए,
ठीक है, टैक्सोन फर्स्ट जो टैक्सोनॉमिक एक्ट मैंने बताया वो आपका कहता है बोटानिकल एंड। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में बताएंगे कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई है या नहीं, ठीक है, और कुछ भी एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी तो पूरा कवर हो रहा है। ओके, बोटानिकल गाइडेंस, बोटानिकल गाइडेंस क्या होता है, बोटानिकल गाइडेंस कैसे डिफाइन करेंगे बताइए सभी लोग कमेंट में। प्लेसेस वेयर, प्लेस वेयर वेराइटीज, varieties of plants are grown is known as botanical garden, ठीक है, place where varieties of plants are grown botanical garden। किसलिए होता है, किस लिए होता है बोटानिकल गार्डन, तुम किस लिए घूमना जाते हो बोटानिकल गार्डन में, तो देखो किसी और चीज के लिए नहीं, यहाँ पे साइंटिफिक पर्पज होता है, तो ठीक है साइंटिफिक पर्पज। साइंटिफिक स्टडी कर लो, साइंटिफिक स्टडी नीड्स क्या है, साइंटिफिक स्टडी एंड एजुकेट पीपल, एजुकेट पीपल वे वे फुलफिलिंग क्यूरियोसिटी, वे फुलफिलिंग क्यूरियो सिटी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके एनसीईआरटी की बुक में कुछ इंपॉर्टेंट बोटानिकल गार्डन के नेम दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बोटानिकल गार्डन के नेम दिए गए हैं एंड हिस्टोरिकल, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आपके एनसीईआरटी बुक में। कई बार इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम कई बार पूछेगा और आगे भी पूछेगा, पूछा है और पूछेगा आगे भी, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बोटानिकल गार्डन नोट कर लीजिए, कौन कौन से बोटानिकल गार्डन है, ठीक है, जो सबसे ओल्ड बोटानिकल गार्डन है, ठीक है, इंडियन बोटानिकल गार्डन काफी ओल्ड है, इंडियन बोटानिकल गार्डन एंड, ठीक है, एक्चुअली मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस ध्यान दीजिएगा, देखो
जब अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अंग्रेजों के समय की कलकत्ता में ये है, ठीक है, कलकत्ता में रॉयल बोटानिकल गार्डन सबसे पहला इसका नाम था, सबसे पुराना नाम रॉयल बोटानिकल गार्डन, ठीक है, फिर उसको बदल कर इंडियन बोटानिकल गार्डन रखा गया, ठीक है, और सबसे अभी नए में उसका नाम है आचार्य जगदीश चंद बोस, ठीक है, आचार्य जगदीश चंद बोस बोटानिकल गार्डन, ओके, ठीक है, तो ये कई बार ये आप लोगों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा है, ठीक है, कुछ मतलब पूछ देगा कि इंडियन बोटानिकल गार्डन का अभी नया नाम क्या है, ठीक है, तो आचार्य जगदीश चंद बोस न्यू नेम, ठीक है, एंड अंग्रेजों के समय, ठीक है, यानी जब ब्रिटिशर्स थे उस वक्त क्या नाम था, तो रॉयल बोटानिकल गार्डन उस वक्त नाम था, ठीक है। देखो अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ाना है आप लोगों को, कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे आप लोगों को, ये जो बोटानिकल गार्डन था आचार्य जगदीश चंद बोस बोटानिकल गार्डन, ये किस लिए फेमस है, ये कलकत्ता में किस लिए फेमस है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।